हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुमन्स वर्ल्ड। मैं हूँ सुमन और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल में कई टाइप के चार्ट होते हैं जिसमें आपको एक किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे उनके किस परसेंटेज में आप वैल्यू निकल रही है कि परसेंटेज में एरिया है वो आपको बाय चार्ट आप इन अ सिंगल लुक में क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक वर्कशीट तैयार की है। इस वर्कशीट में मैंने लोकेशन मेंशन किया है एंड पॉल्यूशन इन एयर। जैसे कि आप भी जान रहे हैं आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है एयर में, बट ये एक्चुअल पॉल्यूशन परसेंटेज नहीं है। अभी आप देख रहे हैं ये हमने जो लोकेशन बनाया हुआ है वर्कशीट, इस पे हम चार्ट लगाने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करेंगे पूरे एरिया को एंड देन जाएंगे इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट है, कई टाइप के चार्ट है जिसमें से आप कोई एक चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम पाई चार्ट पे चलते हैं बिकॉज आज का टॉपिक हमारा है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2D पाई चार्ट भी है एंड 3D पाई चार्ट भी है एंड यहाँ पे आपको और भी कई टाइप के चार्ट मिल जाएंगे। तो इसके लिए पाई चार्ट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे, हम सपोज दैट एक 2D पाई चार्ट लेके चलते हैं, तो 2D पाई पे जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखिए हमारा एक पाई चार्ट रेडी हो गया है। बट इसमें अभी आप देख रहे हैं सिर्फ आपका ये सब्जेक्ट पॉल्यूशन एयर ये मेंशन है एंड इसकी कई कलर्स हैं जो कि मेंशन लोकेशन के एंड यहाँ पे आपकी लोकेशन मेंशन हो रही है। ये आपके जो कलर्स होते हैं इससे आप इसको डेडिकेट कर सकते हैं। बट अभी भी आप देख रहे हैं कि एक टाइम में आप इतना देख के आप गेस नहीं कर सकते कि आपकी ये परसेंटेज या ये परसेंटेज ये जो कलर्स हैं ये किस लोकेशन के लिए शो हो रहे हैं। यहाँ पे आपको मैच करना पड़ेगा। तो इसको अगर हमें इतना करने की जरूरत नहीं लगे, अगर आप और इजी करना चाहते हैं तो ये देख रहे आप चार्ट लेआउट्स है, इस पे आप जाएंगे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको कई टाइप के चार्ट मिल जाएंगे। इस चार्ट में आप देख रहे हैं अगर हम इस पे क्लिक करते हैं फर्स्ट पे, तो आप देखिए यहाँ पे आपके जो हरियाणा लोकेशन है इसके परसेंटेज एंड विद लोकेशन एंड परसेंटेज आपके कलर शो हो रहे हैं पाई चार्ट में। तो अब आप एक टाइम में एक सिंगल टाइम में आप देखेंगे और आप आइडिया लगा सकते हैं कौन से लोकेशन में कितना परसेंटेज पॉल्यूशन है। तो इसके लिए अगर आपको सपोज जब आप किसी को रिपोर्ट देनी होती है, जैसे कि आप ऑफिस में देखते हैं, यहाँ पे फिलहाल मैंने आपको समझाने के लिए लोकेशन एंड पॉल्यूशन लिया है, तो यहाँ पे आपके क्लाइंट नेम हो गए या आपके यहाँ पे कोई पर्सन एम्प्लॉयज हो गए उनके यहाँ पे आप सेल्स ऑर्डर कितने ऑर्डर आए हैं या कितने अमाउंट का उन्होंने टारगेट अचीव किया है, ये सारी चीजें आप एक पाई चार्ट के थ्रू रिपोर्ट दे सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इतना करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं चार्ट टाइप है जो आपको मैंने ऑल चार्ट टाइप दिखाया था, इसमें से आप कोई एक चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने इस पे क्लिक करके अनोखे किया तो ये देखिए ऑटोमेटिक आपका पाई चार्ट चेंज हो जाएगा इस चार्ट में एंड कोई अदर चेंज करना चाहे तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। देखिए गाजियाबाद के दिल्ली का गुड़गांव का पंजाब हरियाणा। तो इस तरीके से आप अपना चार्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको जैसा सुटेबल लगे वर्क करने में आप उस अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा चार्ट टूल है। चार्ट टूल्स में हमारे 3 ऑप्शन देंगे मिलेंगे हमें, डिजाइन, लेआउट एंड फॉर्मेट। डिजाइन में आपने देख लिया यहाँ से हमें चार्ट चेंज करना है, सेव एज टेम्पलेट और कॉलम स्विच करेंगे, ये सारे ऑप्शन मैंने आपको दिखाई दिए हैं, वही एज अ पाई चार्ट है। उसके बाद यहाँ से आप देख रहे हैं इसका डिजाइन चेंज कर सकते हैं आप, जो भी आपने चार्ट बनाया है उसके अकॉर्डिंग, कलर के अकॉर्डिंग। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पे लेआउट है, लेआउट में आपने देखा कि यहाँ पे हमारे पास ये फॉर्मेट कर सकते हैं इससे, ये सॉलिड कलर जैसे आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में कैसे फील हो रहा है, ये फिल करना चाहें तो आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये हटाना है तो आप इसे क्लियर कर दें, नो फिल। उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर्स हम ऐड कर सकते हैं, ये बाकी के नॉर्मल चीजें हैं जो कि आपको हर वर्क में ऑप्शन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं एक यूजफुल चीज है आपकी जो कि डेटा टेबल है, इसमें आप क्या करेंगे अगर 100 डेटा टेबल कर देते हैं तो आप देखिए यहाँ पे आपको आपको सिर्फ रिपोर्ट निकालनी है इसकी, ये चीज आप प्रिंट करके देंगे रिपोर्ट में और इसके साथ साथ आपका ये जो टेबल है ये भी ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा या आपकी चार्ट बन जाएगी, तो ये भी आपके लिए बेटर होता है, एक ही ऑप्शन है। उसके अलावा आप इसे हटाना चाहें तो आप फिर से डेटा टेबल पे जाके नन कर सकते हैं,
यहाँ से आप एक्सेस चेंज कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल करना चाहे, वर्टिकल करना चाहे, ग्रिड लाइंस दे सकते हैं। वही सेम चीज आपकी फॉर्मेट में, फॉर्मेट में आपको जैसे पता है कि हर टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं हम, सेव फॉर्मेट करते हैं, वही सेम चीज है। आप यहाँ से देखिए कलर चेंज करेंगे, ये फॉर्मेट सेव फिल हो रहा है, सेव आउटलाइन होगा, ये देखिए। ऐसे ही आप अगर इसका सेव इफेक्ट देना चाहें तो दे सकते हैं, यहाँ से आपके टेक्स्ट, आप टेक्स्ट पे इफेक्ट दे सकते हैं जैसा भी आप टेक्स्ट पे इफेक्ट देना चाहें। ये देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट हो रहा है, ये चीज चेंज हो रही है जैसा आप करते जा रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये पाई चार्ट या फिर एक्सेल के चार्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर अभी भी आपको कोई इश्यू आता है तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। और अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं सॉफ्टवेयर के, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।